खिलाड़ी जिगर पे ट्रिगर का विनर है पुनीत पाठक। खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विनर बन चुके हैं पुनीत। और पुनीत, कितना खतरों भरा रहा ये सफर? खतरों से तो भरा ही था थ्रू आउट, पर अच्छा लगता है यार कि ऐसे बात हो रही है अभी। दैट मीन्स आई एम द विनर, क्योंकि मेहनत बहुत की, हम सब ने की, एंड इट्स रिफ्रेशिंग। बहुत ही अलग शो है ये, दिखा भी अलग है, इसलिए लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना नंबर वन शो रहा है। मतलब टच वुड की, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग था इस साल, सीजन 9 था। मज़ा है, बहुत मज़ा है। तो कोई 9 चीज़ें अगर हम पूछे तो क्या क्या चेंजेस आ गए हैं अब पुनीत में? मतलब कितने फोबिया से ऊपर निकल चुके हैं, कितना ओवरकम किया है? सच बोलूँ तो अभी अगर जब टेलीकास्ट होता है ना, हम सब दोस्त बात कर रहे थे कल फिनाले में कि हम देख रहे हैं ना, हमें लगता है हमने कैसे किया ये सब। इट वॉज तो 9 चीज़ें नहीं है, 100 चीज़ है। और फोबिया सच मुझे कुछ नहीं है, बट फियर है। तो डर तो हमेशा इंसान हूँ, मतलब अगर रोहित सर बोले 14 माले से कूद जाओ तो थोड़ा तो हालत ख़राब होगी, तो वो फियर है और वो फियर रहेगा क्योंकि जान प्यारी है सबकी सबके लिए। बट तभी है ना वो फियर फैक्टर का पूरा, जो खतरों के खिलाड़ी का सेटअप है, जो पूरी टीम है बहुत ही प्रोफेशनल है, तो एक कहीं ना कहीं वो ऐसा फील आता है कि सिक्योर है हम लोग और साइन किया है कि हम लोग ने ऐसा है। तो अगर एक इंसान कर सकता है तो हम सब कर सकते, वो ही सोच के मैंने हर एक स्टंट किया। हाँ बस हो गया, अभी मत पूछो कैसे हुआ, कर लिया। अच्छा, क्या वो एक्स फैक्टर था खुद में जो ये इतनी पूरी जर्नी जो है इतने अच्छे से पार की? बहुत लोगों ने बहुत सारे बार ये पूछा है, क्योंकि ये सीज़न में आई थिंक जैसे मुझे एक ही बार फियर फंदा मिला है, जो आई डोंट थिंक पहले कभी हुआ ऐसा। थोड़ा ऐसा लोगों को लग रहा मैं बाहुबली हूँ, कौन हूँ, सुपर हीरो। नहीं, मैं सिर्फ एक ही मेरा मंत्रा था कि डर लगता था, पर हर स्टंट के पहले मैं ये सोचता था कि मेरे पहले कोई स्टंट मैन ने किया है ये स्टंट। यस, मैं इतना फास्ट और इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं करूंगा। तो मेरा सबसे पहले था कि मैं स्टंट कंप्लीट करूं। दूसरी बात थी कि काम, फोकस। बहुत लोग हैं ना जल्दी और जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते, जल्दी करो जल्दबाजी नहीं करो, तो मैं वही करता था, हड़बड़ी में नहीं करता था स्टंट। एंड यस, डांस बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा फ़ायदा तो होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि हमें आदत है कि 5, 6, 7, 8 सीधा जोन में जाना और परफॉर्म करना। यहाँ पे स्टेज नहीं है, सेटअप है, स्टंट है, पर वो परफॉर्मेंस तो है। सो वी हैड टू गो इनटू दैट जोन। तो फोकस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, वो सब बड़े बड़े जो वर्ड्स है, उस सब का निचोड़ वो स्टंट में निकलता है। सबसे अच्छा स्टंट कौन सा रहा और जो खुद को भी बहुत अच्छा लगा और ओवरकम किया? हर एक स्टंट, क्योंकि हर एक स्टंट मैं जीता हूँ। मैं पूरे सीजन में सिर्फ 2 स्टंट हारा हूँ, तो सब स्टंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन एक स्टंट था जो आदित्य को सेव करने के लिए मैंने किया था, जिसमें अंडर वाटर 18 फीट जाना था और 2 डिग्री टेम्परेचर था रात के, और मेरा स्टंट नहीं था वो, तो भी वो इंजर्ड था, तो उसके लिए मैंने किया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरा जो हिस्ट्री क्रिएट की है मैंने, एक स्टंट है जो 9 सीजन्स में पूरा किया ही नहीं किसने, वो स्टंट मैंने पूरा किया। कौन सा था? वो स्टंट ऐसा था कि जहाँ पे ना ऐसे जिगजैग एक प्रॉप था और मेरे हाथ में एक रॉड है और रिंग है, तो वो जिगजैग के थ्रू मुझे डालना, टच नहीं करना, तो कोई एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं तो अभी छोटा वर्जन दिखा रहा हूँ, तो बड़ा वर्जन था, जिन्होंने देखा उनको पता रहेगा। तो वो पूरा ऐसा लेके जाना है फोकस करके, और मेरे शोल्डर में इंजरी थी तभी, पर हो गया और मज़ा आया, क्योंकि हिस्ट्री अब कैसा लगेगा यार, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आदित्य से मतलब काफ़ी टफ फाइट दी उन्होंने भी, कहेंगे मतलब सारे स्टंट्स वो भी एकदम पेशेंटली करते थे हर चीज़। जी, जी, तो जी। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस दोनों का? मैं एक्चुअली आज सुबह आदित्य का मैसेज आया, मैं बताता हूँ। बहुत ही आदि, और आदि के पास है ना वो थोड़ा वैसा वाला है, करूँगा। वो जब आ जाता है ना तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन, और हेल्दी कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज वेलकम्ड। कोई भी सेटअप हो, डांस हो, एक्टिंग हो या स्टंट हो, हेल्दी कॉम्पिटिशन। स्टार्टिंग से सबको लग रहा था कि मेरे और आदि के बीच में एक टक्कर होने ही वाली है, एंड राइटफुली टॉप 2 में यही 2 डिजर्विंग वाले थे। एंड तो बहुत उसने लिखा है कि थैंक यू, अच्छा ऐसे पढ़ा, उसका सीधा मैसेज है, यू डिजर्व इट ब्रो, आई एम ग्लैड दैट यू आर द कॉम्पिटिटर दैट आई हैड फॉर दिस सीजन।
यू हैव द स्पिरिट ऑफ अ चैम्पियन, गॉड ब्लेस यू. तो मैंने लिखा उसको थैंक यू ब्रो, इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू मैसेज लाइक दैट बैक. मतलब हारा है यार तो भी मैसेज कर रहा है. यू डिजर्व टू विन दिस थिंग टू, मैंने लिखा. एंड चीयर्स टू बोथ ऑफ अस फॉर बीइंग द बेस्ट खिलाड़ीज ऑफ द सीजन, क्योंकि लोगों को सच्ची में लगता है कि हम दोनों बेस्ट थे. तो टेक केयर. एंड देन उसके बाद भाईचारे में और बातें हुई काम वाम की. पर ऐसा है तो कॉम्पिटिशन था ऑन स्क्रीन, पर ऑफ स्क्रीन ऐसा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी मस्ती की आपने जितने भी ऑफ स्क्रीन जितने वीडियोज़ आते थे, तो कितना भारती थी, अली था, काफ़ी लोग थे, तो कैसे रहा वो सेशन, कैसा रहा? अगर वो लोग नहीं होते ना तो ये मैं ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाता. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली मैं थैंक यू कहूँगा मेरे नए फ्रेंड्स जो वहाँ जाके बने, जो है भारती को मैं ज़्यादा था, पर प्रोफेशनली आईजीटी में काम किया. मैं स्टेज डायरेक्टर था, वो एंकर थी, ठीक ठाक. पर उधर जाके भारती, हर्ष, अली, जैस्मिन, हम लोग, जैन, हम लोग बहुत टाइट हो गए थे. हर रात को हम लोग एक रूम में बैठते थे, बहुत सारी बातें करते थे, गप्पे लड़ाते थे, क्योंकि हमारा कोई दूसरा कुछ काम ही नहीं था ना. तो वही थे लोग, वही चार दीवारें, वही लोग, हम लोगों की बहुत बॉन्डिंग हुई. एंड थ्रू आउट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मुझे वो एक्स्ट्रा पुश मिलता था, क्योंकि वो चिल्लाते, आप देखते हो अगर शो में सब चेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी वजह से हुआ है. तो पुनीत, अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 विनर तो आप बन चुके हो, और इसके बाद अब क्या नेक्स्ट? इस साल अच्छा हुआ, स्टार्ट शुरुआत अच्छी हुई है. डांस प्लस जीता, फिर अभी खतरों के खिलाड़ी जीता. बीच में मैं लंदन गया, रेमोसर की जो नेक्स्ट डांस मूवी है, वरुण श्रद्धा और हम सब है, मैं, धर्मेश आगव, स्ट्रीट डांसर 3, वो लंदन से ख़त्म करके फिनाले किया. अभी वापस वो लोग इधर इंडिया में आ रहे, वो शूट हो रही है, वो नवंबर में रिलीज़ हो रही है. सेप्टेम्बर में डांस प्लस है, तो टच वुड चीज़ें लाइंड अप है. And good amount of work is there. Actually, मैं अभी एक आधा शो छोड़ के आया हूँ, जाना है मुझे वो शो के लिए. तो by God's grace, hard work की है और finally उसका colors रंग निकल रहा है. And touch wood, ऐसे ही होना चाहिए. तो पुनीत है और डांस नहीं हो, मतलब इतने स्टंट तो हमने देख लिए, तो एक पुनीत का कुछ हैप्पी डांस मूवमेंट तो बनता ही है. मेरा तो, मेरा जो सिग्नेचर वही करता हूँ. Thank you, or congratulations. Thank you.